नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, शिव पुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन है जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। अगर धर्म ग्रंथों की माने तो उनके अनुसार शिव जी के कुल 19 अवतार हुए थे। उनमें से एक अवतार ऐसा भी है जो आज तक इस पृथ्वी पर मुक्ति के लिए भटक रहा है। पिछले लगभग 5000 वर्षों से अश्वत्थामा भटक रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश स्थित असीरगढ़ किले की शिव मंदिर में प्रतिदिन सबसे पहले पूजा करने वही आते हैं। शिवलिंग पर प्रतिदिन सुबह ताज़ा फूल और गुलाल चढ़ा मिलता है और ये अपने आप में एक रहस्य है। हम यहाँ आपको महाभारत काल के अश्वत्थामा से जुड़ी वो खास बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपको शायद मालूम ना हो। दोस्तों, अश्वत्थामा महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में जन्मे थे। उनकी गिनती इस युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में से की जाती है। वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और कुरु वंश के राजगुरु कृपाचार्य के भांजे थे। द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों को शिक्षा विद्या यानी शस्त्र विद्या दी थी। महाभारत के युद्ध में पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों की सेना को तहस नहस कर दिया था। पांडव सेना को हतोत्साहित देख श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य का वध करने के लिए युधिष्ठिर से कूटनीति का सहारा लेने को कहा। कूटनीति से पांडवों ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। पिता की मृत्यु ने अश्वत्थामा को विचलित कर दिया। महाभारत युद्ध के पश्चात जब अश्वत्थामा ने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पांडव पुत्रों का वध कर दिया और पांडव वंश के समूल नाश के लिए उत्तरा के कर्म में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, तब भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर दिया और युगो युगों तक भटकते रहने का श्राप दे दिया। कहा जाता है असीरगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के गोरी घाट यानी कि नर्मदा नदी के किनारे ही अश्वत्थामा भटकते रहते हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार कभी कभी वे अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल भी मांगा करते हैं। कई लोगों ने इस बारे में अपनी आप बीती भी सुनाई। गाँव के कई बुजुर्गों के माने तो एक बार अश्वत्थामा को जो देख लेता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। किले में स्थित तालाब में स्नान करके अश्वत्थामा शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वह उतावली नदी में स्नान करने के बाद पूजा के लिए यहाँ आते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पहाड़ी की चोटी पर बने किले में स्थित यह तालाब बुरहानपुर की तपती गर्मी में भी कभी सूखता नहीं है। तालाब से थोड़ा आगे गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है और मंदिर चारों तरफ से खाइयों से गिरा है। कहा जाता है कि इन्हीं खाइयों में से किसी एक में गुप्त रास्ता बना हुआ है जो खांडव वन यानी कि खंडवा जिले से होता हुआ सीधे इस मंदिर से निकलता है। इसी रास्ते से होते हुए अश्वत्थामा मंदिर में आते हैं। भले ही इस मंदिर में कोई रोशनी और आधुनिक व्यवस्था ना हो, लेकिन यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पूजा लगातार जारी रहती है और शिवलिंग पर प्रतिदिन ताज़ा फूल और गुलाल चढ़ा रहता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।